हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेखा चौबे रेसिपी। आज हम बनाएंगे काले चने की सब्जी, जो कि काले चने के छोले भी आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। उसको हम पूरी और रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने 2 बाउल काले चने रात को ही भिगो दिए थे पानी में, और अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ मैंने ये 4 प्याज लिए हैं, और ये देखिए इसको मैं अच्छे से चॉप कर दूंगी। 2 लहसुन है, इसको मैं पील कर लूंगी। और मैं ऐसे आपको बता दूं, मैं 1 वीक के लिए लहसुन पील करके और इस जार में बंद करके रख देती हूँ, ये कभी खराब नहीं होता है। आप कोई भी, आपके पास सॉस या सजवान सॉस किसी चीज का भी अगर सीसी आता है, इसको आप बॉटल को वॉश करके रख सकते हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इनको भी हम अच्छे से छील लेंगे। और जब तक मैं ये काले चने की सब्जी तैयारी कर रही हूँ, इधर देखिए मैंने गैस पे ड्राई फ्रूट्स का हलवा चढ़ा दिया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ड्राई फ्रूट्स का हलवा बन रहा है। मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर ड्राई फ्रूट्स का हलवा डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। मैं इसको हमेशा बनाती हूँ, और बैंगलोर का तो मौसम भी ठंडा रहता है और हम इसको सालों भर खा सकते हैं। इसको मैं बना के रख देती हूँ, मेरा 1 मंथ तक इजिली चल जाता है। अब मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, इसमें मैं 5 से 6 स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दूंगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी फ्राई करके कुकर में बाद में डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ कुकर में ही फ्राई कर रही हूँ। यहाँ मैंने 5 फोरन डाल दिया है, 2 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च। लाल हो गया, अब अपने प्याज डाल देंगे। मैंने प्याज को छोटे छोटे चॉप करके रख दिए थे। अब यहाँ मैंने इसमें अपने लहसुन और अदरक को कूट लिया था, अब इसको डाल देंगे। मैं मैक्सिमम उसमें कूट के ही पेस्ट बना लेती हूँ, उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ 2 स्पून सॉल्ट डाल देती हूँ, ताकि हमारा प्याज गलता भी रहेगा और फ्राई भी होता रहेगा। और यहाँ मैं 1 टमाटर और 4 हरी मिर्च का पेस्ट बना देती हूँ। और यहाँ हमारे प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। अब मैंने यहाँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर यहाँ भिगा के ऑलरेडी रख दिया था। अब मैं इसको यहाँ डाल देती हूँ। यहाँ अब हमारे मसाले करीब हल्दी वगैरह फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है तो मैं इसको डाल देती हूँ। इससे अच्छी खुशबू आती है और थोड़ा फ्लेवर भी अच्छा रहता है। अब यहाँ ये टमाटर और हरी मिर्च का जो पेस्ट है, मैं उसको डाल देती हूँ। तो यहाँ हमारे मसाले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए, ये देखिए। अब मैं अपने चने डाल देती हूँ यहाँ, और चने को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। चने को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ हमारे चना और मसाले सब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम अपना एक सीक्रेट डालेंगे। वो सीक्रेट क्या है हमारा? ये रहा हमारा सीक्रेट। 1 आलू अच्छे से पील करके हम इसमें डाल देंगे, और इसके बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पानी डाल दिया। पानी इतना डालना है कि हमारे चने डूब जाएंगे। देखिए
अब इसमें मैं एक चम्मच कसूरी मेथी डाल दूंगी। अब यहाँ कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया और फुल वॉल्यूम हमारा फ्लेम रहेगा और इस पे पहले एक सीटी आने देंगे हम। अब यहाँ एक विसिल लग गई है, अब हम गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे और 3 से 4 सीटी आने देंगे। अब यहाँ 4 विसिल लग गया है, मैं गैस बंद कर देती हूँ और जब तक इसकी सारी स्टीम निकल नहीं जाती है तब तक मैं खुद छोड़ देती हूँ इसको। तो ये देखिए, ये हमारा चना रेडी हो गया। अब जो ये आलू है इसको इसमें डाल के ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो ग्रेवी है ठीक हो जाता है। ये तो मिक्स हो गया, तो ये हमारा आज का सीक्रेट है और इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, इसको हम सर्विंग बाउल में हरा धनिया डाल लेते हैं, कोरिएंडर लीव। तो ये देखिए हमारी सब्जी रेडी हो गई, अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।